इसलिए जब हम पुरानी भाषा पढ़ते हैं जिसको आज पाली बोलते हैं, पाली नाम नया है पर भाषा पुरानी है, क्योंकि पाली नाम पुराने समय में पाली नहीं बोला जाता था। जब ये भाषा दोबारा से खोजी गई तो ये जानकारी में आई कि सारी भाषाओं की जननी जो भाषा है, जो सारी भाषाओं को पालती है, जो सारी भाषाओं को पालने में झुलाती है, जिससे सारी भाषाएं पैदा हुई हैं, उस पालने वाली भाषा का नाम पाली पड़ गया। और पाली से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ, जननी हुई। जब ये बात पता चली तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक ज्ञाता, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जमाने में, मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न एरा में दुनिया के सबसे बड़े ज्ञाता, सबसे बड़े जानकारी रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने अपनी जितनी भी किताबें लिखी, उन किताबों में जो भाषा की किताब लिखी वो ना तो इंग्लिश की लिखी, ना संस्कृत की लिखी, ना उन्होंने हिंदी की लिखी, ना उन्होंने मराठी की लिखी। वो मराठा थे, मराठी में लिखते पर नहीं लिखी। वो इंग्लिश में सारे उन्होंने अपने ग्रंथ सारे के सारे जितने वॉल्यूम हैं, जितने भी किताबें उनकी हैं, वो सब इंग्लिश में लिखी और बहुत बढ़िया इंग्लिश में लिखी। पर उन्होंने जो डिक्शनरी दी, जो भाषा के बारे में कहा, वो इंग्लिश नहीं है। उन्होंने संस्कृत जर्मन में जाके सीखी। संस्कृत को सीखने के लिए वो बहुत परेशान रहे, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे जो संस्कृत जानते ही नहीं बेसिकली, क्योंकि संस्कृत एक अलग तरह की भाषा है, उन्होंने उनको सिखाने से मना कर दिया। तो जर्मन में जाके सीखी, वो भाषा भी उन्होंने मना कर दी। और जो देश विदेश की भाषाएं उन्होंने सीखी, जर्मन सीखी या फ्रेंच सीखी, वो भाषाएं भी उन्होंने हमें नहीं सिखाई और ना ही उनके लिए कहा। पर जो भाषा भारत में बोली तो जाती है पर नाम उसका बदल गया, जानी तो जाती है पर नाम जिसका बदल गया, उस भाषा को खोज के उसका उन्होंने 16वां वॉल्यूम दिया, जिसको पाली की डिक्शनरी बोलते हैं। पुराना नाम इसका मगधी है, उससे पुराना नाम इसका नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है, पक्तिक है। ये नाम उसके तभी से पढ़ते आए हैं, अशोकी भी बोल सकते हैं उसको, या जो समय जो जो एरिया रहे जिनमें बोली जाती है उनके नाम से बोले जाते हैं। पर चूंकि भाषाएं नेचुरल थी इसलिए नाम कोई पढ़ा नहीं, बस जगह के हिसाब से, राजा के हिसाब से, समय के हिसाब से नाम बदलते रहे। और लास्ट में जब खोज हुई कि सारी भाषाओं को पालने वाली है तो नाम पड़ गया पाली। और पाली जो भाषा है वो पढ़नी चाहिए और उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो हम भाषा बोल रहे हैं और जो भाषा हम लिख रहे हैं और जो जान रहे हैं वो 80% से ज्यादा पाली ही है, यानी पुरानी भाषा ही है। क्योंकि भाषाएं खत्म नहीं होती, भाषाएं बदली जा सकती हैं, भाषाएं अपने आप को बदल लेती हैं, उनका रूप बदल जाता है। जैसे नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, वैसे ही भाषाएं भी अपनी जो गति है उसको बदल लेती हैं और अलग अलग तरह में ढल जाती हैं। उनकी बहुत सारी धारा निकल जाती हैं, पर उनकी मूल जो धारा है उसका पता चल जाता है कि कहां से आई है और कैसे आई है। तो उसी भाषा को सीखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने 16वां वॉल्यूम दिया, पूरा भरा पड़ा है पाली से। पाली की डिक्शनरी है, पाली कैसे पढ़े, पाली में क्या है। तो उसी में, उसी डिक्शनरी के अंदर एक सन्निपात, एक सन्निकट, एक सन्नी करके शब्द आता है। उस सन्नी का, सन्निपात का, सन्नी बाहुल का जो अर्थ है वो आज भी हम बोलते हैं और आज भी हमारे जगह जगह बोला जाता है, कहता वो उसके बड़े सन्निकट है।